हाँ भाई, तो सुबह के 6 बज रहे हैं और ये मॉर्निंग व्लॉग नहीं है, ये गुड नाइट व्लॉग है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, दोपहर में मिलते हैं। खैर, गर्मी यार आज का, तुम्हें उन चीज़ों से रोक रही हूँ जिस पर तुम 7 साल बाद रिग्रेट करोगे कि मैं क्या कर रहा था। मैं तुम्हें उन चीज़ों से रोक रही हूँ जिस पर तुम 7 साल बाद रिग्रेट करोगे कि तुम क्या कर रहे थे। ये इंस्पायरिंग लाइन्स से हमें बहुत कुछ सीखना है, और ये किसी बच्चे ने नहीं बोली, ये कज़न ने बोली है। इस पर हम आगे बात करते हैं, पर पहले डिस्कस करते हैं पर्सपेक्टिव जो लोगों का आपके लिए होता है। बेसिकली आप खुद बनाते हैं द वे यू बीन केयरिंग योर सेल्फ फॉर द पास्ट 21 ईयर्स। इन माई केस, मैं 21 साल का, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक अपना ना बहुत ही हुई अनसीरियस इमेज छोड़ा हुआ है दुनिया के सामने ना। तो अब ये मेरा बन चुका है इमेज। अब मैं आज अगर कोई प्रॉपर सीरियस बात भी करूँगा ना, तो उसमें मेरा कोई ना कोई दोस्त ना कोई तफरी ढूँढेगा, बोलेगा कि यार जानी तूने जो अंदर ही अंदर बात करी ना, हमें सब समझ आ गई। मैं बोलूँगा नहीं भाई, कोई अंदर अंदर बात नहीं हुई, बिल्कुल सही बोला है मैंने। नहीं यार देख, तुझे हम जानते हैं, तूने जो जो छुपाए हुए थे ना, वो हमें सब समझ आ जाता है। अब क्या करें। वॉक शॉक करने गए थे, ले जाते मोबाइल साथ, पर मलीर कैंट में नहीं रहता ना, गुलशन में रहता हूँ। यहाँ पे इस टाइम लोग एड्रेस पूछने आ जाते हैं जब मोबाइल हाथों में होता है ना, तो इसलिए प्रिकॉशंस के साथ मोबाइल चार्ज पे लगा के जाना पड़ता है। तो उससे पिछले शाम वाले पार्ट में मैं शायद आवाज़ ना आई हो क्लियर। मैं बस ये बोल रहा था कि इंसान अपना एक इमेज दे देता है सामने वाले को, जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है। मेरा थोड़ा सीरियस था, तो अब मैं कोई सीरियस बात भी करूँगा तो उसमें लोगों को जोक मिल जाएगा, बस इतना था। मेन बात यह है कि अब हमें मुझे दो पर्सनैलिटीज़ चलानी है, एक जो मेरी है मेरे सर्कल के सामने, और एक जो मुझे अपनी फैमिली को दिखानी है, क्योंकि ख़ानदान वाले आ गए मेरे चैनल पर। विच ब्रिंग्स अस टू ख़ानदान वाले, क्या कर रहे हैं इतनी जल्दी? एक्सपेक्टेड तो नहीं थे, मतलब 50 पे ही आ जाएंगे, मुझे ये नहीं पता था। मैंने कहा कुछ 500 हज़ार पे आएंगे तो देख लेंगे, पर खैर अभी आ गए। तो अब ना थोड़ा मैं अनकम्फर्टेबल हो गया था ये सब देख के ना, कि ज़ाहिर ऑकवर्ड लगेगा, मेरे पप्पू चाचू मुझे देख रहे हैं, मैं उसमें सिगरेट पी रहा हूँ, अजीब से ये बाल रखे हुए हैं, डिसेंसी बिल्कुल नहीं है, ये सब पहना हुआ है, कोई ख़ास एजुकेटेड बातें भी नहीं कर रहा, हाँ भैया ये कर लिया वो कर लिया ये सब कर रहा हूँ, तो कोई फैमिली का नेम भी मैं रोशन नहीं कर रहा। तो मैं बड़ा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऑकवर्ड हो गया था जब मुझे ये पता चला कि और लोग भी देख रहे हैं मुझे, क्योंकि यार होने वाली बात ना, इमेजिन करो अपने आपको मेरी जगह, तो ऑकवर्ड जायज़। तो अब अगर मैं अपनी फैमिली को दिमाग में रखते हुए कुछ कंटेंट बनाऊं, तो उसमें मुझे पूरा अपने आप को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो रखा था कि एक ऑनेस्ट लड़का, ये दवा का नाम लिखा हुआ है, ऑनेस्ट लड़का बैठेगा सामने, जो जैसा है वैसा आएगा, वो मुझे फिर शायद हटाना पड़े, क्योंकि मतलब मेरी मेरी सिगरेट हट जाएगी, मेरी मुझे तमीज़ का हुलिया रखना पड़ेगा, मुझे बातें अच्छी अच्छी करनी पड़ेंगी, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ये भी सुना था कि यार थोड़ा इंग्लिश, यार मुझे इतनी पता है। अच्छा, मैं ना इतने मसले आ जाएंगे तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा, सीधी सी बात है। तो उसको ना थोड़ा ऑकवर्डनेस को आज ख़त्म करते हैं, जो नॉर्मल ऑडियंस हो जा सकती है। अब मैं अपनी फैमिली फैमिली टू फैमिली कन्वर्सेशन होगी, तो भाई मेरे चाचू मेरे पप्पू मेरे कज़न जो भी देख रहे हैं, यार दिस इज़ मी, मैं हूँ। इत्तेफाक से एक लड़का ख़ानदान में ऐसा निकल आया, अब मैं क्या करूँ। सही है ये, आप लोग सोचते हैं कि मेरे जो बाल हैं, मैं मतलब बहुत अनग्रूम्ड लड़का हूँ, मुझे पता नहीं कि हेयर स्टाइल ऐसे छिछोरे लगते हैं, उसमें डिसेंसी नहीं है, तो भाई मुझे पता है मैं ग्रूम्ड स्टेज में ही हूँ, ग्रूम्ड पता नहीं कौन सा स्टेज होता है, मतलब मैं जानता हूँ कि बाल डिसेंट नहीं लगते, पर मैंने एक बाई चॉइस रखे, मैं ना क्या करूँ, मुझे पसंद आए, मैं जो मुझे पसंद आ रहा था मैंने कर लिया। ये छोटे भी हो जाएंगे जब दिल चाहेगा, छोटे भी रख लूँगा, अभी लॉकडाउन में बड़े हो रहे थे तो मैंने कहा बढ़ाते रहे, और मुझे थोड़ी बहुत एजुकेटेड बातें भी आती हैं, मैं हर जुमले में एक आध इंग्लिश का हर्फ बोल सकता हूँ, पर मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं नहीं बोलता ना, मैं मतलब अपनी रियल लाइफ में किसी के साथ नहीं बोलता, मैं अपने घर में नहीं बोलता, दोस्तों में नहीं बोलता,
हम कहीं नहीं बोलते, इवन अपनी क्लासरूम में जब बैठे होते हैं तो भी इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश में नहीं बोलते, उर्दू में ही बोलते हैं। अब यही होता है भाई यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत मैंने सीख ली थी इंग्लिश भी, क्योंकि मैं इंग्लिश फिल्में देख लेता हूँ, मैसेजेस पे अंग्रेज़ी में अक्सर बात हो जाती है। बताने का मकसद ये था कि मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें सिर्फ आप ही लोग हैं, टोटल कुछ चंद मिला के बहुत कम लोग हैं, छोटा सा ख़ानदान है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई डिसअपॉइंट ना हो, मतलब मैं अगर डिसअपॉइंट कर रहा हूँ तो प्लीज़ फॉरगिव मी, पर ना हो डिसअपॉइंट, क्योंकि इस चैनल के जो ओरिजिन्स थे, ओरिजिन्स कहाँ से हुए थे एक मिनट बताता हूँ। तो इस चैनल के ओरिजिन्स जहाँ से हुए थे, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, वो यहाँ से हुए थे कि लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत बोर हो रहा था और अपने दोस्तों को ऑब्वियसली मिस करूँगा, तो मैंने चैनल बना लिया जहाँ पे जो जैसे चाय, दिन में एक दफ़ा चाय दोस्तों के साथ पीता था मैं, तो वो जो चाय के मग्गे के साथ साथ कॉन्वर्सेशन हो रही होती थी ना, वो अब मैं कैमरे में देख के कर लूँगा। ये था टोटल आइडिया बिहाइंड दिस, जो भी है ये सब। तो उसमें मैंने एक चीज़ भी रखी थी दिमाग में कि मैं बिल्कुल एज इन प्योर आऊँगा ना, मतलब ना ज़्यादा फैंसी ना ज़्यादा गिरा हुआ, जैसा हूँ बिल्कुल वैसा अपने आपको डिस्प्ले कर दूँगा। ये था मेरा प्लान। तो उसमें मुझे अपना रियल नहीं रखना पड़ेगा, विच इज़ दिस। मैं एक फैमिली चैनल के हिसाब से भी कंटेंट बना सकता हूँ, पर उसमें मुझे मज़ा नहीं आएगा ना। मैं एजुकेटेड बातें भी कर लूँगा, पर वो समझो मेरी जगह कोई और बैठा हुआ होगा, तो उस तरह तो नहीं होगा ना, मतलब मज़ा ही नहीं आएगा, मैं खुशी नहीं होऊंगा। तो इसलिए मैं एक फेस ऑफ एक क्लियर चीज़ें करना चाहता था कि बहुत सी वीडियोज़ में मैं ऐसी चीज़ें करूँगा जो आप लोग को शायद ना पसंद आए, पर उससे ऑकवर्डनेस भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि बताया आप लोग मेरे दिल से बहुत करीब है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझसे नाराज़ हों किसी भी चीज़ से। बाकी प्लस पॉइंट्स हैं यार, मैं गालियाँ नहीं देता, मैं रियल में भी नहीं देता गालियाँ, बहुत लोग देते हैं। आपका ख़ानदान का लड़का नाम रोशन कर रहा है, नो गालियाँ। और भी कोई मतलब उल्टी सीधी बात करता हूँ मैं, पर वल्गर नहीं होता, मैं कोई गंदी बात नहीं करता, अच्छी बात भी नहीं करता पर गंदी बात भी नहीं करता, बीच में हल्का फुल्का हंसी मजाक जो नेचर है वैसे ही है। तो ये था कि मतलब मैं आप लोग से करना चाह रहा था। बाकी इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आती रहेगी। मेरी कज़न मुझे सजेस्ट कर रही हैं आइडियाज़, जिन्होंने बात की थी ना कि तुम 7 साल बाद पिछले को तो रिग्रेट ना करो, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपना कंटेंट इम्प्रूव कर लूँगा, मेरे चाचू भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्टिव हैं, पर मैं ख़ुद को चेंज नहीं कर पाऊँगा, ये सिर्फ मुझे बताना था, आई एम सॉरी। तो उससे हमारे बीच में कोई गैप भी नहीं आना चाहिए, कुछ अच्छा बुरा भी ना लगे, मतलब अच्छा ही लगूँ मैं आप लोगों को, मैं नहीं चाहता आप लोग को बुरा लगूँ, पर मैं जैसा हूँ उसी में अच्छा लगवाने की कोशिश करूँगा। अपना आपको अचानक से बिल्कुल टोटल चेंज नहीं कर सकता। तो दैट वॉज इट, आई होप आप लोग समझें। बाकी इस्लामाबाद और अमेरिका से तोहफे भिजवाते रहेगा, नाराज़ ना होगा, क्योंकि मैं इसलिए सब कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ ताकि बाद में मैं अनकंफर्टेबल ना हूँ। जब तक ये बातें मैंने आप लोगों से नहीं करी हुई थी ना, तब मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था। पिछली एक दो वीडियोस में मैं हर चीज़ करते हुए बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था कि ख़ानदान के बड़े देख रहे हैं और मैं उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हूँ। तो बस मैं कुछ करना चाह रहा हूँ इस चीज़ के थ्रू ना, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ जाएंगे यही करते करते, इम्प्रूवमेंट आएगी, पर ख़ुद में इतना ज़्यादा चेंज नहीं लाऊँगा। मज़ीद ग्रूम करूँगा पर मंसूर रहेगा, वो कोई और बंदा नहीं बन पाएगा। सही है, थोड़ा सा चिचोरा हूँ मानता हूँ, पर मुझे पसंद है ना ये सब। ठीक है, ओके जी, ओके फैमिली, टाटा। हाँ ये चेन उतार दूँगा, क्योंकि वो ये थोड़ी ऑफ लगती है, मैं कभी ना कभी ये उतार दूँगा, ये आप लोग की खातिर उतरेगी, टेंशन नहीं है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि लड़का नर्वस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, तो वाकई हो रहा है, क्योंकि वो बात ही ऐसी थी, मुझे बड़े पसंद हैं वो लोग जज। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी उनसे हटती है, मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं नर्वस भी हो रहा था सब बातें करते हुए।